सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमें कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना यहाँ बुक निकालना है। सभी ने निकाले? ओके, अब हमें पृष्ठ संख्या एक निकालना है। यहाँ लिखिए कक्षा का ईयर, यहाँ लिखिए तारीख और यहाँ लिखिए दिन। सभी ने लिखे? ओके, आज हमें पढ़ना है भाषा का दूसरा रूप। आप रेडी हो? ओके, भाषा का दूसरा रूप। अध्यापिका, बच्चों पिछली कक्षाओं में हम हिंदी भाषा की वर्णमाला सीख चुके हैं। आप लोगों ने कक्षा दूसरी में वर्णमाला सीखे हो आप सभी ने? ओके, वर्णमाला में भाषा के चिन्हों का प्रयोग किसी बात को लिखित रूप में बताने के लिए किया जाता है। वर्णमाला में भाषा के चिन्हों का प्रयोग किसी बात को लिखित रूप में बताने के लिए किया जाता है। आप बता सकते हो वर्णमाला किसे कहते हैं? गुड, सही क्रम में लिखे या बोले गए वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। अध्यापिका जी, क्या इन चिन्हों का दूसरा नाम भी है? हाँ, अलग अलग भाषाओं में लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? अलग अलग भाषाओं में लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, परंतु जो लोग देख नहीं सकते वे पढ़ते लिखते कैसे हैं? इस लड़की ने अध्यापिका जी से प्रश्न किया है। जो लोग देख नहीं सकते वे पढ़ते लिखते कैसे हैं? अध्यापिका जी ने उत्तर दिए, उनके लिए एक विशेष लिपि बनाई गई है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि किसके लिए बनाई गई है? जो देख नहीं सकते उनके लिए। इसमें एक से छ तक बिंदुओं के प्रयोग द्वारा वर्णमाला सिखाई जाती है। उनको एक से छ तक बिंदुओं के प्रयोग द्वारा वर्णमाला सिखाई जाती है। इस तरीके से दिख रहा है आप सभी को? गुड, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज आपने हमको एक नई बात सिखाई है। इस लड़के ने अध्यापिका जी से कहा है कि आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। इस तरह से इस लड़के ने कहा है। आपको बता दूं कि हिंदी की लिपि कौन सी है आपको पता है? गुड, देवनागरी होती है। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है। और पंजाबी की लिपि आपको पता है? गुरुमुखी होती है। इसी तरह से यहाँ लिपियों के प्रकार है। हमने सीखा लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। मैंने अभी बताई आपको कि हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? रोमन। उर्दू की लिपि कौन सी होती है? फारसी। इसी तरह से मैंने आपको लिपियों के नाम बताया है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। ब्रेल लिपि उनके लिए बनाई गई है जो देख नहीं सकते।
ब्रेल लिपि आपने पढ़े हो किसके लिए बनाई गई है, जो देख नहीं सकते। देखिए ब्रेल लिपि किस तरह से रहती है, अ के लिए एक बिंदु है, म के लिए तीन बिंदु है, र के लिए चार बिंदु है, ढ के लिए देखिए छह बिंदु है, ओ के लिए तीन बिंदु है, ल के लिए तीन बिंदु है एक लाइन में, ढोल के लिए कितने बिंदु है देखिए कितने हैं, बारह, कितने हैं बारह। इस तरह से यह है ब्रेल लिपि, ये किसके लिए बनाई गई है, हाँ बताइए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। आपको पृष्ठ संख्या 2 निकालना है। हमारी भाषा पहली है, पाठ पहला हमारी भाषा। सबसे पहले यहाँ लिखिए कक्षा कार्य, यहाँ लिखिए तारीख और यहाँ लिखिए दिन। हमारी भाषा आवर लैंग्वेज। मैं आपके सामने यह गीत गाकर बताती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। चींची करती चिड़िया आई, कुहू कुहू कोयल ने गाया, कुकड़ू को मुर्गा भी बोला, काव काव कौवा चिल्लाया, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोली, भौं भौं करता कुत्ता आया, नाच नाचते कबूतर ने भी गुटर 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 गु राग सुनाया। बच्चों इस गीत में पशु पक्षी तरह तरह की आवाज़ें निकालकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ये बोलियाँ या आवाज़ें केवल ध्वनि है, भाषा नहीं। देखिए कोयल ने किस तरह से गाया है, कुहू कुहू। मुर्गा कैसी आवाज़ निकालता है, कुड़ू कू। कौवा कैसी आवाज़ निकालता है, काव काव। बिल्ली कैसी आवाज़ निकलती है, म्याऊं म्याऊं। कुत्ता कैसे आवाज़ निकलता है, भौं भौं। और कबूतर, कबूतर कैसे आवाज़ निकलता है, गुटर गू गुटर गू। इस तरह से ये क्या है, इनकी ध्वनि आवाज़ें। इसे हम भाषा कहेंगे क्या, नहीं, ये है उनकी आवाज़ें या ध्वनि, भाषा नहीं, यहाँ भाषा नहीं है। मनुष्य के मुख से निकली ध्वनियों ने वर्णों अक्षर का रूप ले लिया, मनुष्य के मुख से निकली ध्वनियों ने अक्षर का रूप लिया, वर्णों से शब्द और धीरे धीरे भाषा बन गई। मनुष्य ने जो बोली है उनकी ध्वनियों को, उनकी आवाज़ों ने किसका रूप धारण कर लिया है, वर्णों का मतलब अक्षरों का, उनका रूप ले लिया और वर्णों से शब्द और धीरे धीरे भाषा बन गई। भाषा द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको अध्यापिका क्लास में पढ़ाती है, आप अध्यापिका की बात सुनते हो, वहाँ क्वेश्चन पूछती है, आपको प्रश्न पूछती है, आप उनका सही उत्तर देते हो, मतलब आप शब्दों से उनका आंसर देते हो, उत्तर देते हो, उसे क्या कहते हैं, भाषा। जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। आपको शिक्षिका बोर्ड पर प्रश्न लिखकर देती है, आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हो, यह हो गई भाषा। आपको
अध्यापिका प्रश्न पूछती है और आप उनके सही उत्तर देते हो, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। बच्चा सबसे पहले सुनकर और बोलकर भाषा सीखता है। आपके छोटे छोटे बहन भाई होंगे, छोटा छोटा जो बालक रहता है, छोटा बच्चा रहता है 5-6 महीने का, तो वह बोल सकता है क्या? नहीं। वो क्या करता है? सबसे पहले सुनता है। जब मम्मी पापा बात करते हैं या फिर अपन बात करते हैं तो वह सबसे पहले सुनता है, उसके बाद धीरे धीरे वह बोलना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे बोलता है मम्मी पापा, इस तरह से बोलना सीखता है और वह भाषा सीखता है। यह भाषा का मौखिक रूप हुआ। मौखिक रूप कौन सा हुआ? सबसे पहले सुनना और फिर बोलना, यह क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप हुआ। आगे चलकर वह लिखना पढ़ना भी सीख लेता है, इसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। मौखिक रूप कौन सा हुआ? सुनना और बोलना, यह भाषा का मौखिक रूप हुआ। और लिखित रूप किसे कहेंगे हम? हाँ बताइए, जहाँ हम लिखकर पढ़कर सीख लेते हैं, लिखते हैं पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा बोलेंगे। इस तरह से यह है हमारी भाषा। आपको यहाँ लिखना है गृह कार्य पढ़ो। आपको गृह कार्य है हमारी भाषा और भाषा का दूसरा रूप, पृष्ठ क्रमांक 1 और पृष्ठ संख्या 2। यहाँ आपको गृह कार्य है, पढ़ना है आपको। धन्यवाद।